वेलकम स्टूडेंट्स, टॉपिक इज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। नहीं होगा तो आइए पहले पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की परिभाषा क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी क्रिया है जिससे हमारा जो प्लेनेट अर्थ है उसकी जो सरफेस है वो गर्म होती है। कैसे गर्म होती है कि भाई ये देख लीजिए कि ये सूरज है, तो इसने अपने सूर्य की किरणें धरती की तरफ डाली, ठीक है, धरती की तरफ आ रही हैं। अब ये जो पार्ट है ना, ये नेचुरल है। मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार। हाँ, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि नेचुरली हो रहा है, और जो ये पार्ट है ये वो है जो तब हो रहा है जब इंसान ने अपने इंसान की जो एक्टिविटीज हैं, इंसान के जो अलग अलग तरह की क्रियाएं हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, हम लोग फ्यूल बर्न करते हैं, ईंधन जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, कंडा जलाते हैं, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। तो इससे क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो इंसान ने इफेक्ट कर दिया। तो ये है इंसान द्वारा इफेक्टेड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आइए इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखिए नेचुरल में क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें पड़ी, पृथ्वी ने कुछ एब्जॉर्ब करी और कुछ रिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब कर ली, अपने पास एब्जॉर्ब कर ली और कुछ रिफ्लेक्ट कर दी। अब यहाँ पे थे ग्रीन हाउस गैसेस, उन्होंने कुछ दोबारा से पृथ्वी को वापस कर दी, तो इसको बोलते हैं बैक रेडिएशन, कि दोबारा रीएमिट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस की ये लेयर थी हमारे वातावरण में, जिन्होंने जब ये वापस जा रही थी रिफ्लेक्ट होके, तो उसमें से कुछ अमाउंट फिर से पृथ्वी की तरफ कर दिया और बाकी चला गया स्पेस में, सौर मंडल में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, पहले तो आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे केवल इतनी पतली बेल्ट ग्रीन हाउस गैसेस की, और यहाँ पे इतनी मोटी गैस हो गई, इतनी मोटी परत हो गई, ठीक है। तो इनकी जो मात्रा है वो लगभग 4 गुना बढ़ चुकी है, ठीक है, इंसान की अपनी एक्टिविटीज के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, क्या होगा, ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी तो ज्यादा री एमिट करेंगी, जिनको बोलते हैं बैक रेडिएशन। तो बैक रेडिएशन यहाँ पे कितनी पतली थी आप लोग देख रहे होंगे, और यहाँ पे कितना मोटा हो गया, बिकॉज ये ज्यादा एमिट कर रही है, बिकॉज इनकी जो मात्रा है, क्योंकि इनकी जो मात्रा है वो हमारे वातावरण में, हमारे एटमोसफेयर में बढ़ गई है, जिसकी वजह से सौर मंडल में कम हीट या फिर कम रेडिएशन जा पा रही है, ठीक है। तो ये था नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये है ह्यूमन इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी नेचुरल जरूरी क्यों है, क्या ये जरूरी है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि अगर ये नहीं होता तो -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता हमारे पृथ्वी का, ठीक है, -18। तो किसी भी तरह की सिविलाइजेशन, किसी भी तरह के एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स पॉसिबल नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। तो अभी लेकिन अब जो है, अभी चूंकि बढ़ रहा है तो अभी हमारे लिए हानिकारक है, बिकॉज इससे क्या हो रहा है, इससे जो हमारे आइस कैप्स हैं वो पिघल रहे हैं, एंटार्क्टिका और आर्कटिक की बर्फ कम हो रही है, हिमालय की बर्फ कम हो रही है, ओशियंस जो समुद्र हैं उनका जो लेवल है वो बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज, जो आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज ओनली। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्रीन हाउस गैसेज ही करती हैं, इसीलिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन हुआ है, उससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल था। ये सारे के सबसे बड़ा कोई इंपॉर्टेंट फिनोमिना, इंपॉर्टेंट इशू, अर्जेंट इशू अगर कोई है वो यही है, ग्रीन हाउस गैसेज को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक हो गया है कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यस। तो अब देखिए इनकी एग्जैक्ट मात्रा, एग्जैक्ट परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बताना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, बिकॉज कुछ एमिशन भी हो रहा है, रेडिएशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये साइंटिस्ट ने, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ एक रेंज बताई है। तो 36 से 70% तक, 70% तक वाटर वेपर है, भाप जिसको बोलते हैं, 9 से 26% तक कार्बन डाइऑक्साइड है, 4 से 9% तक मीथेन है, और 3 से 7% तक ओजोन है, ठीक है। तो ये है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन सी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। देखो एक तो आती है कि हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, ठीक है, एनिमल्स लोग सांस छोड़ते हैं जिसको एक्सहेलेशन बोलते हैं, एक तो वहां से आती है, तो वो तो नेचुरल प्रोसेस है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन एटमोसफेयर में और कहाँ से आती है जो पॉल्यूट कर रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है, वो है मेनली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ईंधन का जलना, चाहे वो कोयला हो, कंडा हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, ठीक है, तो वहां से आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम पेड़ पौधे लगाएं, बिकॉज पेड़ पौधे क्या करते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और दूसरा तरीका है कि फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन हम कम कर दें, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई है टू बूस्ट द सोलर एनर्जी अमॉन्ग द कंट्रीज, उन कंट्री में बूस्ट करना सोलर एनर्जी को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास रहती है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, टाइडल विंड वाटर एनर्जी पे फोकस इसीलिए हो रहा है बिकॉज हमें अपना INDC, हमारा जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो हमारी जो कस्में हैं, जो प्रोमिसेज है, जिनको INDC बोलते हैं, वो हमें मीट करनी है, हमें ग्रीन हाउस गैसेज अपनी कम करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये है अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली तो इसका मैंने बताया कि 1750 में ये केवल 280 ppm था, ठीक है, और अब ये हो गया है 400 ppm, तो लगभग 40% बढ़ोतरी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में सन 1750 में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि हम इंसानों ने पृथ्वी को क्या दिया है, ठीक है, तो हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए इस चीज पे। तो मीथेन कहाँ से आता है, मीथेन मोस्टली आता है कोल, नेचुरल गैस, ऑयल के बनने के प्रोसेस में, या फिर जब कोई ऑर्गेनिक वेस्ट हमारा जो है सड़ता है लैंडफिल्स में किसी जगह पे। घर में भी मीथेन, जो एनिमल्स के जो डंग्स होते हैं, कंडे वगैरह होते हैं, गोबर होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में, वहां से मीथेन का एवोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, भाई मैन्योर मैनेजमेंट, ठीक है, हम इस तरह से यूज करें कि वो मिक्सचर में यूज हो, कम से कम एमिशन हो, या फिर ऐसी स्ट्रेटेजीज लगाना लाइव स्टॉक ऑपरेशंस में जिससे मीथेन का यूज, मीथेन का एवोल्यूशन कम हो। तो ऐसा मैन्युअल मैनेजमेंट करना लाइव स्टॉक ऑपरेशन में जिससे मीथेन का एवोल्यूशन कम हो, मीथेन का जो निकलना है वो कम हो, ठीक है दोस्तों। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, मोस्टली वो फूड का, फूड में चेंज करते हैं, एनिमल्स को ऐसा फूड देना, ऐसा फॉडर देना जिससे उनके डंग में मीथेन का एवोल्यूशन कम हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइव स्टॉक ऑपरेशन मैनेजमेंट। तीसरी है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, और ये यूज होती है सिंथेटिक फर्टिलाइजर के बनाने में, और ऑल्सो ये कंबर्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब फॉसिल फ्यूल्स और सॉलिड वेस्ट के जलने में, उसके बनने में भी, उसके एवोल्यूशन में भी नाइट्रस ऑक्साइड का कुछ परसेंटेज होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी हम ऑल्टरिंग बाय मतलब मैनुअल मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज को, जो कि लाइव स्टॉक ऑपरेशंस में होती है, उनको थोड़ा चेंज करना। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, यही गाय भैंसे बकरी, ठीक है, इन सब का जो खाना पीना होता है, उसका जो मैनेजमेंट है, उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक ऑपरेशंस, ठीक है, खाना पीना और उनके वेस्ट का मैनेजमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वो गैस है रेस्पॉन्सिबल जो, जिसकी वजह से ओजोन होल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जो अभी धीरे धीरे भर रहा है। अब जो ओजोन होल हुआ, बिकॉज ये सीधा सीधा जो अपर एटमॉस्फेयर होता है ना, वहां पे जाके रिएक्ट करती है, ठीक है, तो जब ये वहां पे रिएक्ट करती है तो ओजोन के होल बनना शुरू हो जाते हैं, ओजोन की लेयर जो है ना वो पतली होना शुरू हो जाती है, इसकी वजह से सन सन रेडिएशन में जो सूरज की किरणें होती हैं, उससे अल्ट्रावायलेट की किरणें, अल्ट्रावायलेट जो पार्ट होता है सोलर रेडिएशन का, वो पृथ्वी पर आना शुरू हो जाता है, जिससे कई कई बार स्किन कैंसर और काफी और सारी भयानक बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली ये यूज होती है एज अ रेफ्रिजरेंट इन AC, फ्रिज, एरोसोल्स में होती है यूज, सॉल्वेंट्स में होती है यूज, और एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज होती है, ठीक है। तो ये था डिफरेंट गैसेस के बारे में, और आपको पता होगा कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, और जो भी ये ISA, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं इंडिया के, एम्बिशियस टारगेट्स, कार्बन टैक्स, कार्बन ट्रेडिंग, कोल पे जो टैक्स लग रहा है, ये सब की सारे की सारी चीजें केवल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कम करने के लिए हो रही है। तो आप जान सकते हैं कि इस लेसन की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, ठीक है। सो धन्यवाद दोस्तों ये देखने के लिए,
और कोई भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। और आपका होमवर्क है इस लेसन का कि इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि सोलर रेडिएशन का जो पार्ट पार्ट है, वो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती हैं या एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है।